प्रशासन ने कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा रखा है। हालांकि 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, पर अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है क्योंकि लोग फलों, सब्जियों और खाने पीने की चीजों के लिए अभी भी भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां हम आपको दो दृश्य दिखाएंगे कल के, जहां आप देखेंगे कि एक ओर फल वाले अपने फलों को सड़क पर फेंकने पर मजबूर हो गए हैं और वे यह सब प्रोटेस्ट में कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरह से वे गुस्से में गालियां भी देते जा रहे हैं और फलों को सड़क पर फेंकते जा रहे हैं और आने जाने वाली गाड़ियां उन फलों पर से चढ़ती हुई जा रही हैं। जहां एक ओर लोगों को फल खाने को नहीं मिल रहे हैं, वहीं गुस्से में ये फल वाले ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें फल बेचने नहीं दिया जा रहा है। क्या झेल देगा हमारे घर वालों को, झेल खा ले हम क्या, ये बताओ। हमारे चार से पांच पैसा राजू उठा के लेकर हम क्या करें। अंकल जी उठ जाओ, खड़े हो जाओ दादा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। दूसरा दृश्य है राजेंद्र नगर में डीमार्ट के पीछे का। प्रशासन लाख बंदिशें लागू कर दे और तरह तरह के नियम बना दे, पर लोग हैं कि वे मानने को तैयार ही नहीं हैं। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो कितना भी लॉकडाउन लगा लो, कोरोना खत्म होने वाला नहीं है। देखिए किस तरह से 3 से 4 हजार लोग एक अस्थायी सब्जी मंडी में सब्जी खरीदते और बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।